क्वेश्चन है, हमने वॉटलेस करंट किया था, अगर आपको याद होगा। वॉटलेस करंट क्या था? वॉटलेस करंट था कि अगर आपके पास ये करंट है और ये वोल्टेज है, इनके बीच में अगर एंगल फाई है, करंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक साइन का एक कॉस का, तो जो करंट का कंपोनेंट वोल्टेज के साथ एंगल 90 बनाता है वो पावर में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो ये वॉटलेस करंट है। तो फॉर्मूला लिखवाया था, वॉटलेस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर एम एस साइन फाई। ये वॉटलेस करंट का फॉर्मूला है। इसके अंदर क्वेश्चन है, एक क्वाइल है जिसकी इंडक्टेंस एल पता है, एल पता है, एंड इज ज्वाइंड इन सीरीज विद रेजिस्टर आर पता है। तो एल पता है, आर पता है, 220 ओम की रेजिस्टेंस है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का मतलब ई आर एम एस पता है और फ्रीक्वेंसी भी पता है। फाइंड वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, ठीक है, ये निकालना है। आई आर एम एस क्या होता है? ई आर एम एस बाई जेड। अब इसका मतलब मुझे ई आर एम एस चाहिए, ई आर एम एस तो मेरे पास है, अब मुझे क्या चाहिए? जेड चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले जेड निकाल दिया। आर एल सर्किट है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आर मुझे पता है, एक्स एल मैं निकाल लूँगा एल ओमेगा से, वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास जेड आ गया। अब मेरे पास जेड आ गया तो आई आर एम एस को मैं पुट कर सकता हूँ ई आर एम एस बाई जेड। ई आर एम एस तो आ गया, आई आर एम एस तो आ गया। साइन फाई निकालना है, साइन फाई निकालने के लिए पावर फैक्टर याद है, कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? आर बाई जेड। आर पता है, जेड पता है, वन बाई रूट टू से फाई आ गया, फाई को पुट कर दिया, आई आर एम एस तो ऑलरेडी आया हुआ था, वॉटलेस करंट की वैल्यू आ गई, आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि वॉटलेस करंट कैसे निकलेगा? ई आर एम एस इंटू कॉस फाई से, कॉस फाई हमेशा साइन फाई से, कॉस फाई या साइन फाई निकलेगा पावर फैक्टर से, और ई आर एम एस निकलेगा आई आर एम एस निकलेगा ई आर एम एस बाई जेड से। जैसे रेजोनेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, इन सीरीज एल सी आर रेजोनेंस, देखो एल सी आर सीरीज में है और रेजोनेंस हुई हुई है, वो क्या कह रहे हैं? एट रेजोनेंस कैपेसिटेंस इज मेड 1/4। कैपेसिटर की वैल्यू हमने क्या कर दी? 1/4 कर ली, सी की जगह सी बाई फोर कर दिया। वॉट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन इंडक्टेंस, एल में कितना चेंज लेके आए सो दैट सर्किट विल अगेन बी इन रेजोनेंस एट हाफ द इनिशियल फ्रीक्वेंसी। तो कह रहे रेजोनेंस हो गई, मान लो पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/√ ऑफ एल सी। सेकेंड केस में कह रहे हैं कैपेसिटेंस को सी बाई फोर कर दो, मैंने सी बाई फोर कर दिया। फिर वो कह रहा है कि इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? नई इंडक्टेंस, तो मैंने एल भी चेंज कर दिया, तो सी बाई फोर करके एल चेंज कर दिया और एक नया ओमेगा आ गया। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो नया ओमेगा है वो हाफ ऑफ पुराना ओमेगा है, आपकी नई फ्रीक्वेंसी हाफ होगी पुराने से। अब आपको नया ओमेगा पता है ये रहा, आपको पुराना ओमेगा पता है ये रहा, इक्वेट कर दिया, सी से सी कैंसिल हो गया, एल डैश की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि दो केस बनेंगे फ्रीक्वेंसी के, एक में सी और एल चेंज करना है, और कैसे सी को आधा वन सी को चेंज करके एल को चेंज किया और नई फ्रीक्वेंसी आ गई। कोई डाउट इसमें?